नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने नए कैनन पिग्जमा 2000 सीरीज के प्रिंटर्स के लिए। इस प्रिंटर में हमें इंक रिफिलें करनी थी, जो कि हमने मार्केट से परचेज़ की है, और ये हम इंक की बॉटल्स लेकर आए हैं जो कि हमें इसमें रिफ़िल करनी है। ये बॉटल्स दोस्तों ओरिजिनल बॉटल्स हैं, ये चारों कलर हम लाए हैं, चारों कलर की बॉटल्स हैं, ये सब ओरिजिनल हैं। इनमें ओरिजिनल के लिए इनमें होलोग्राम दिया गया है, जो इसकी पहचान है ओरिजिनल की ये। और इसमें ये 790BK, ये इस नंबर से ये जेन्युइन इंक है। इस पर ये बारकोड भी दिया हुआ है, जिससे हम पहचान सकते हैं। ये बारकोड स्कैन करके गूगल पे जाके इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी कि ये एक ओरिजिनल इंक है। ये ब्लैक इंक है, ये 135 ml की बॉटल है, BK इसका ब्रांड लिखा हुआ है, 790 ये मार्किंग दी हुई है। इसके बाद ये येलो इंक है, इस पर भी 790 Y यानी येलो लिखा हुआ है, और इस पर भी बारकोड दिया हुआ है जिसे हम पहचान सकते हैं, जिससे कि यह ओरिजिनल इंक है। इसकी भी MRP 539 रुपये दी हुई है। ये इस पर ये बॉटल जो है 70 ml की है, 70 ml 790 Y। इसके बाद आता है शान, ये शान कलर है, 790 इस पर भी कोड दिया हुआ है, इस पर भी बार कोड दिया हुआ है। यह बार कोड हम स्कैन करके इंक की क्वालिटी जान सकते हैं। इसकी MRP भी 359 दी हुई है, 539 70 ml की पैकिंग, इसकी भी 70 ml की पैकिंग है, इस पर भी होलोग्राम है, ये दिख रहा होगा आपको होलोग्राम, हमें अच्छी तरह से दिख रहा है। ये ओरिजिनल इंक की पहचान है, ओरिजिनल इंक की पहचान यही है कि इस पर ये 790 और ये बारकोड, इसको स्कैन करके हम देख सकते हैं। अब है M फॉर मैजेंटा, ये मैजेंटा कलर ये भी 70 ml है, 70 ml, इसकी MRP 539 है, और ये इसका बारकोड। तो ये सब चारों कलर जो हैं, चारों ओरिजिनल कलर हैं, और हमें हमेशा ये ओरिजिनल कलर ही यूज करने चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिंटर जो है वह इन्हीं कलरों को सपोर्ट करता है। अगर हम इनमें डुप्लिकेट इंक यूज करते हैं हमारे प्रिंटर में, तो प्रिंटर की क्वालिटी भी ख़राब होगी, और प्रिंटर का जो हेड है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और इनमें हमें अच्छी प्रिंटिंग, अच्छी क्वांटिटी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज करनी चाहिए, और मैं आपको भी यही बोलता हूँ कि आप भी जब भी कैनन प्रिंटर में इंक डालें तो इंक रिफ़िल करें तो ये इंक ओरिजिनल ही होनी चाहिए। अगर आपने डुप्लिकेट इंक यूज की तो कुछ दिनों बाद आपके प्रिंटर का जो हेड है वो ख़राब हो जाएगा, और हेड ख़राब हुआ तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आप ओरिजिनल इंक ही यूज करें, डुप्लिकेट इंक के चक्करों में ना पड़ें। डुप्लिकेट इंक भी बाज़ार में अवेलेबल है, वो कम रेट पर भी मिलती है, लेकिन प्रिंटर के लिए वह इंक सूटेबल नहीं है। इसलिए आप हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज करें। ये इंक हम लाए हैं, अब हम इस इंक का आपको
रिफ़िल करके भी वीडियो जो आएगा अगला उसमें बताएंगे कि हम इसको रिफ़िल कैसे करेंगे। ये जो ओरिजिनल लिंक है हम इन्हीं को रिफ़िलिंग करेंगे अगले वीडियो में। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखें हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम इसे आपको प्रिंटर के टैंक में इस सब इंक को रिफ़िल करके बताएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल और हम अगले वीडियो में लाएंगे रिफ़िलिंग इसी इंक की। थैंक यू, धन्यवाद।